हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू जो मुझे देख रहे होंगे और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको मेरे तरफ से और मेरी पूरी फैमिली के तरफ से। आप लोग कैसे मना रहे हो गणतंत्र दिवस बताइएगा ज़रूर। अभी तो ऋषभ और हस्बैंड चले गए थे, ऋषभ स्कूल गया है, आज सुबह हो जाती है ना सब, तो स्कूल गया है, अभी आ जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं अभी आज थोड़ा सा काम था क्योंकि मैंने डस्टिंग वगैरह निकाली थी, क्योंकि सब लोग सुबह चले गए थे, मेरा नाश्ता वगैरह भी बन चुका था सब प्रॉपर। तो फिर मैं थोड़ा सा आज घर के थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ली थी और थोड़ा लेट हो गया फिर इसीलिए। और मैं भी नहा के पूजा वूजा करके मेरा सब डन हो चुका है। तो गाइज मेरे को एक बात बताइए, आप किन किन को आज बूंदी सेव खाने का छूट गया, आज कोई नहीं खा पाया बूंदी सेव? सेव बूंदी मतलब मस्ट होती है ना इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में, सब जगह बढ़ती है। पहले तो हम बचपन में पापा लेके हमारे लिए आते थे क्योंकि उनके ऑफिस में बढ़ती थी, तो वो खुद लाते थे अपने स्टाफ्स के लिए, तो घर के लिए भी पैक कर लेते थे। तो हम हमेशा रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में सेव बूंदी तो खाना हमारा मस्ट रहता था, बट अभी नहीं मिलता है वो चीज़, तो मैं तो मिस कर रही हूँ। आप किन किन ने मिस करे हो मेरे को बताइएगा ज़रूर। और आप लोग आज क्या खाए? अगर मुझे नहीं मिला सेव बूंदी तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी, हम लोग बना के खा लेंगे, है ना? तो हमारे में वो हुनर है बनाने की, तो हम बना के खा लेंगे और एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि जिस दिन जो खाना है वो खाना जरूरी होती है, कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे हम जरूर बना के खाएंगे। तो मैं अभी बनाऊंगी सेव बूंदी टेस्टी टेस्टी वाली, मेरे को कोई नहीं दिया तो इसीलिए मैं आज बना के खाऊंगी। चलिए फिर मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। और ये देखिए ये स्कूल, हैप्पी हैप्पी और अभी ये स्कूल से आया है, कपड़े भी हैप्पी 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 नहीं हैप्पी खोला है। हैप्पी स्कूल से क्या मिला? ये स्कूल से क्या मिला? प्रसाद बूंदी? यहाँ था, मैंने खा खा के रखा। ठीक है, बढ़िया। यार मुझे नहीं मिला यार कुछ भी बूंदी बूंदी, बचपन में हम लोग बहुत खा लेते। तो आज ना नाश्ते में बना था ये टेस्टी सा चने, काले चने मैं इधर देखो, और पोहा, दोनों बने थे, तो मैं इधर देखो सब लोग खा के चले गए थे। हाँ बताओ, बर्थडे की, माय उड़ तो नहीं रहा है कुछ, क्या हुआ? नो, चल ही नहीं रहा, बैटरी लो है बेटा। तो कल उसके पापा ना लेके आए हैं कहीं से, तो कल से यही चल रहा है। इतनी कम हो गई? हाँ तो गाइज मुझे खाना था बूंदी और सेव, तो इसीलिए मेरे पास तो वो जो बूंदी का झारा रहती है ना वो तो है नहीं, तो इसीलिए ना मैं एक टेक्निक लगाई और ऐसा वाला मेरे पास एक वो स्विगी जोमेटो से मंगाते हैं ना अपन, तो ऐसा वाला एक प्लास्टिक का ऐसा कप था, तो मैं क्या करी इसमें स्क्रू ड्राइवर से छेद लगा दी, जैसे मैंने लगाई ना वैसी करके लगाई, और उसके बाद ना अभी मैं उसी में ना बूंदी बनाऊंगी। बढ़िया बूंदी बना था, मतलब वैसे ही जैसे बूंदी बनता है ना उसी टाइप का प्रॉपर बना था। तो अभी ना मैं बेसन घोल लूँगी बूंदी के लिए, तो मैंने यहाँ पे ना 1 कप बेसन ले ली थी, उसमें ना ऑयल 1 टेबल स्पून भर के ऑयल भी डाल दी थी, और फिर उसको अच्छे से ना मिला लूँगी, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिला रही हूँ, जैसे गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि बेसन में वैसे भी गुठलियाँ पड़ जाती है, तो इसीलिए छान के लेना बेस्ट होती है। इसीलिए बेसन को जब भी मतलब कोई भी चीज़ के लिए ऐसी बैटर बनाए तो छान के ले ले, और वो सबसे बेस्ट होता है, गुठलियाँ भी पड़ने की चांसेस भी नहीं होती। तो इसीलिए मैंने ना पानी डाल डाल के इसको एक पतला सा बैटर बना दी, जैसी बूंदी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ना पोरिंग कंसिस्टेंसी, वैसी बना के उसको छोड़ दी 2-3 मिनट के लिए, उसको थोड़ा सा रेस्ट करने छोड़ दी। और यहाँ पे ना एक बाउल में, मैं इसी में चाशनी बनाऊंगी क्योंकि मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैं इसी में बना दे रही हूँ। एक बाउल ले ली थी, उसमें मैंने ना 1.5 कप ऐसी शुगर डाल दी थी, उसमें फिर मैं 1 कप उसमें पानी मिला दे रही हूँ,
और इसका एक चाशनी बना दूंगी। चाशनी क्या है, एक तार दो तार तो इसको चाहिए नहीं रहता, बस एक जैसे स्टिकी स्टिकी सा एक चाशनी बनाना रहता, तो मैंने वैसे ही बना दी थी। मैं शक्कर थोड़ा सा कम लग रहा था मेरे को, मैं इसीलिए थोड़ा सा और शक्कर डाल दी थी। और उसको कुछ नहीं, बस इसको घोलना है, जैसे गुलाब जामुन के लिए हमको चाशनी चाहिए रहता ना, वैसी ही थोड़ी सी चिपचिपा चाहिए बस। तो इसको मैंने इधर घुमा रही हूँ बार बार, और फिर यहाँ पे ना जो बूंदी के बैटर में मैं थोड़ा सा मतलब चुटकी भर पिंच डालूंगी बेकिंग सोडा, जैसे बूंदी के अंदर ना थोड़ा सा फूल के आए इसीलिए। तो ये देखिए मैं ना इस कटोरी में ऐसी डाल रही हूँ, तो कितना अच्छा नीचे से ना बूंदी झर के आ रही है, इतना मस्त लग रहा था ना बनाते वक्त, बढ़िया खुशी लग रही थी, तो मैंने ऐसी बना दी थी बहुत सारी बूंदी, और बहुत बढ़िया से मतलब बन भी गया था और मस्त लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा मोती जैसा एकदम गिर रहा है, बहुत अच्छे से गिर रहा था, और बहुत बढ़िया बूंदी बनी थी एकदम गोल गोल। इसको ना हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे हम लोग रायता, बूंदी का रायता वगैरह बनाते हैं ना, तो इसको स्टोर करके डब्बे में रख लेंगे, जब भी रायता बनाने की बारी आती है फिर इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने ना सब ऐसे ही बना दी थी सब ये कप से, और ये आप ना इसका बड़ा वाला कप भी ले सकते हो, इसका जो बड़ा वाला भी आता है ना थोड़ा सा, तो उसमें भी आप कर सकते हो, तो ज़्यादा बनेगा। और हाँ एक चीज़ है कि ऑयल ना थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि अगर भर के हम ना बूंदी डालें ना, तो उसके ऊपर डालते वक्त ना वो गिर के वो गोल गोल जैसा आती है ना पल से, वैसा नहीं आएगा, फिर उसके ऊपर गिर जाएगा तो वो थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही डालिएगा, तो थोड़ी क्वांटिटी में क्या है बूंदी पूरा पल से पाएगा, पूरा गोल गोल सा। तो ऐसी मैंने छान ली थी, और मतलब थोड़ा सा अगर ना ये बूंदी अगर ऑयल पी जाए ना, तो थोड़ा सा जब हम बूंदी खाते वक्त ना, तो थोड़ा सा ऑयल का वो स्मेल आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होने दीजिएगा, बस हम थोड़ा सा हीट अच्छे से रखिएगा, ताकि अच्छा ये अंदर से थोड़ा सा पक जाए। तो मैंने ऐसी, और यहाँ पे ना मैंने क्या करी थी, थोड़ा सा रेड कलर डाल के वही बैटर में थोड़ा सा रेड कलर बाद में डाल दी थी, तो मेरा ना परफेक्ट, जैसे बाजार में बिकती है ना रेड और वो येलो येलो बूंदी, तो ऐसी मैंने बना ली थी दो टाइप की, तो दोनों को मिक्स करके मैंने बना दी थी बढ़िया। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और ये मैं बता रही थी ना गुटली सेप का बन जाती है अगर उसके ऊपर डल गया, तो वही हुआ था मेरा थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, हमको थोड़ी किसी को देना है, हमको खाना ही है, तो मैं इसीलिए बना दी थी। तो आपको मैं बता रही हूँ ऐसा कि अगर आप कोई गेस्ट वेस्ट आए, तो आप अगर बना रहे हो या फिर लड्डू बना रहे हो, तो खुला खुला थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेके थोड़ा सा बड़े बर्तन में, तो उसको अच्छे से उसके ऊपर ना डाल के थोड़ा से फैला हुआ में डालिएगा, तो वो अच्छी पल से पाएगा उसका। तो यहाँ पे ना मैं गरम चाशनी में ही ये बूंदी को डाल दी थी, तो वो ना अब्सॉर्ब कर लेगा पूरा चाशनी, उसके बाद 5 मिनट डाल के छोड़ दी थी, तो जैसे ही अब्सॉर्ब कर लिया था फिर मैंने उसको निकाल दी थी चाशनी से, ऐसे ही मैंने पूरी बूंदियों को वैसे ही करके फिर रख दी थी। वो मेरा बन गया था बूंदी, अपनी सेव की तैयारी कर रही थी, वही बेसन ले ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी थी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी और गरम तेल थोड़ा सा, क्योंकि ये जो सेव होती है थोड़ा सा क्रिस्पी बनती है, तो गरम तेल डालने से अच्छा रहता है। ये सेव चकली ये मैं सब ना महाराष्ट्र से ही सीखी थी, हम जिनके घर में ना रहते थे रेंट में, तो वो आंटी ने मेरे को सिखाई थी महाराष्ट्र में। मैं जब भी दिवाली में जब भी ये सब बनाती हूँ ना, मैं आंटी को पक्का एक बार ना एक बार कॉल तो ज़रूर करती हूँ ये सब चीज़ के लिए, ताकि मतलब कुछ इधर उधर ना होएगे, भूल जाते हैं यार एक साल बाद, एक साल बाद। तो मैं अभी वही जैसी दिवाली में बनाते हैं ना, तो वैसी ही मैं बना दी थी सेव भी, और देखिए कितने अच्छा सेव बन के आया है, और क्रिस्पी भी बढ़िया था।
तो इसको मैं वही तेल में और थोड़ा सा तेल डाल दी थी जिसमें बूंदी छानी थी ना, तो उसमें क्योंकि थोड़ा बहुत ही बना रही थी, ज़्यादा नहीं, बस अभी थोड़ा सा खा लेंगे करके क्योंकि मन कर रहा था सेव बूंदी खाने का, तो इसीलिए मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत बना ली थी। तो हम लोग खा लिए थे ऋषभ और मैं, और थोड़ा सा बचा दी थी इनके लिए, वो ऑफिस से आएंगे तो वो भी खाएंगे। तो देखिए कितना दिख रहा है, टेम्पटिंग है ना सेव बूंदी। तो ये है रिपब्लिक स्पेशल, मैंने थोड़ा सा मीठा बनाया हुआ था तो मैंने भगवान जी के लिए थोड़ा सा निकाल दी, और ये जो थाली में निकाली हूँ ना ये मेरे पापा के लिए निकाली हूँ क्योंकि उनको सेव बूंदी बहुत पसंद है, तो उसी लिए मैं उनके लिए भी निकाल के भोग लगा दूंगी। तो गाइस कैसा लगा मेरा सेव बूंदी बताइएगा जरूर कमेंट्स में, और मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।